हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला हमारा शेयर है हिंदुस्तान कंपोजिट। अब ये शेयर का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। ये शेयर 2200-2300 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ठीक है। वहां से ये स्प्लिट हुआ, यहाँ आप देख सकते हो उसकी फेस वैल्यू चेंज हो गई है, 10 से 5 हो चुकी है। मतलब इसमें स्प्लिट आया, उसके वजह से ये शेयर नीचे आया। ये शेयर देखा जाए तो बिल्कुल माइक्रो कैप में बोल सकता हूँ, 467 करोड़ की इसकी मार्केट कैप, पर प्रमोटर के पास माल देख के आप मतलब सोच में पड़ जाओगे कि इसमें इन्वेस्ट करना ही चाहिए ऐसा। बुक वैल्यू 553 की है और बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी फिलहाल 316 पे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शेयर पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसका मेन काम है ब्रेक लाइनिंग। हिंदुस्तान कंपोजिट इज एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ ब्रेक लाइनिंग यूजिंग एस्बेस्टस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड फ्रिक्शन मटेरियल। इट इज ऑल्सो एंगेज्ड इन द ट्रेजरी बिजनेस सिंस 1964 से कंपनी का कार्यरत है और उसको लीड करते हैं मिस्टर रघु मोदी। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से हमें नजर में रखनी होगी क्योंकि इसके फंडामेंटल बहुत कड़क है और मैं आपको फंडामेंटल दिखाऊंगा। सबसे मेन बात, कंपनी ने कर्जा कम किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, 0.57 टाइम्स बुक वैल्यू पे ट्रेड करी है और क्वार्टर एक्सपेक्टेड इनका गुड क्वार्टर एक्सपेक्ट है अभी फिलहाल आने वाला, और डिविडेंड पे आउट दे सकते 20% ऑलमोस्ट डिविडेंड पे आउट करती कंपनी। अभी इसका मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, तो ये देखो स्प्लिट के पहले और स्प्लिट के बाद, यहाँ से इसने स्प्लिट दिया, ये चल मतलब ऑलमोस्ट 2300-2400 तक गया था और फिर स्प्लिट देने के बाद ये आया था 600, फिर वहां से गिरावट होने के बाद अभी ये रिवर्सल के संकेत देख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है। तो ये शेयर मेरे हिसाब से फिर से जब बढ़ेगा ऊपर की तरफ तो ये बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। अब हम देखेंगे इसके सेल्स देखोगे तो एक ही रेंज में घूम रहे, सेल्स इतने ज्यादा नहीं है पर एक ही रेंज में घूम रहे। उसके साथ साथ अगर देखो बैलेंस शीट में देखो 810 करोड़ के रिजर्व से, जितनी कंपनी की मार्केट कैप नहीं उससे ज्यादा तो कंपनी के पास रिजर्व से 810 करोड़ के। कंपनी की मार्केट कैप है 467 करोड़ और इनके पास रिजर्व से 810 करोड़ के, तो ये पॉजिटिव हो गया। उसके सामने बोरोइंग है जीरो, कर्जा जीरो इन पे, कोई कर्जा नहीं कंपनी पे, ये पॉजिटिव हो गया। अभी हम देखेंगे कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज 1 करोड़ पॉजिटिव है, ये एक सही बात है, कुछ छोटा है पर पॉजिटिव है। 74.97% प्रमोटर के पास है, 74.97 प्रमोटर होल्ड करते और 25% पब्लिक के पास है। तो देखा जाए तो बाकी लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, इन्वेस्टर मतलब ये FIIs, DIIs, DIIs के पास 0.01% है, पब्लिक के पास 21.01 और प्रमोटर के पास 74.97 एज पर सेबी रूल, 75 का रूल है, तो इन्होंने बिल्कुल वहीं पे उनकी होल्डिंग रखी है। तो जहां प्रमोटर इतना ज्यादा खरीद के बैठे हैं वहां हमने थोड़ा सा तो इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। ये शेयर जब ऊपर के तरफ जाएगा इसमें बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड मैच हो रहा है। अगर देखा जाए तो ये तो मंथली चार्ट, अगर मैं वन डे चार्ट लगाता हूँ, वन डे चार्ट पे आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन फेज में ये घूम रहा है। यहाँ से ये जब बॉक्स निकलेगा, बॉक्स को तोड़ के जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो इसमें होगा एक मैसिव ब्रेकआउट, और जिसका ब्रेकआउट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होना चाहिए ये लेवल, इसके ऊपर जब निकलेगा 349 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तब ये शेयर ब्रेकआउट दे देगा। तो इसमें जरूर आप नजर रखिए, ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न आपको देगा। तो पहला शेयर होगा हिंदुस्तान कंपोजिट। अब हम आते हैं अपने दूसरे शेयर पे, दूसरा शेयर है लक्ष्मी केमिकल्स। बहुत बढ़िया चार्ट है, हाल ही की लिस्टिंग है, ये शेयर भी बहुत अच्छे से रिटर्न देगा। इसके हम ये शेयर का हम डिटेल अलग से भी एनालिसिस करने वाले हैं, पर उसके पहले ये जो हमारा सीरीज है कि दो कौन से शेयर हमें लेने, तो उसमें एक हिंदुस्तान कंपोजिट हो गया, दूसरा लक्ष्मी केमिकल। रिजल्ट्स काफी बढ़िया है, शेयर बहुत भाग चुका है, इसमें हर डिक्लाइन जब आएगा समझो 325-310 के आसपास अगर मिल जाए तो इसमें एंट्री ले लेने की है। कंपनी बिल्कुल सही है,
ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ की मार्केट कैप फेस वैल्यू 2 की है। एसिटाइल इंटरमीडिएट और स्पेशलिटी केमिकल इंग्रेडिएंट्स की ये कंपनी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है, डिविडेंड पेआउट अच्छा है, 36 के सीएजीआर से ग्रो कर रही है। तो कंपनी मेरे हिसाब से ये हमें रडार पे रखनी है। आने वाले क्वार्टर्स ये कंपनी के हो गए 72% प्रमोटर होल्ड करते हैं, ऑलमोस्ट 73% 3.58 FIIs, 5.01% DIIs, पब्लिक के पास 18% है। तो हमारा नेक्स्ट शेयर होगा लक्ष्मी केमिकल, जिसमें गिरावट में खरीदारी करनी है, जाके तुरंत खरीदना नहीं है, जाके तुरंत अगर स्मॉल क्वांटिटी ऐड करना होगा तो हिंदुस्तान कंपोजिट है और लक्ष्मी केमिकल हम डिक्लाइन पे खरीदेंगे। तो ये दो स्टॉक हमें नजर रखने फ्यूचर के लिए। इसी के साथ हमारा वीडियो राउंड अप करते, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।